निवेदन बताओ शिवाजी। तुम आ जाओ हनी। संघटने तर्फे आज जे निवेदन देण्यात आले विभागीय आयुक्त यांना, तर प्रत्यक्ष पत्रकारांची काय मागणी आहे? केंद्र सरकारने जो श्रमिक पत्रकार से सर्व माध्यम कर्मींना संपवणारा जो कामगार कायदा 2020 बनवलेला आहे तो महाराष्ट्र राज्यात लागू करू नये यासाठी आम्ही आज मंगळवार 8 डिसेंबर 2020 रोजी माननीय जिल्हाधिकारी व माननीय विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे अधिकारी श्री शिंदे साहेब उपायुक्त यांच्यामार्फत आम्ही माननीय मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाची प्रत दिलेली आहे। सदरील कायदा हा महाराष्ट्रात अंमल करू नये अशी विनंती त्यानुसार करण्यात आलेली आहे। कोणाकडे करण्यात आली ही मागणी? ही मागणी आम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे साहेब यांच्याकडे केलेली आहे। काय मागणी आहे? की श्रमिक पत्रकार से जो काही सर्व माध्यम कर्मींना संपवणारा कामगार कायदा तयार करण्यात आला आहे त्या कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात करू नये अशी ठोस मागणी आम्ही केलेली आहे। सदरील मागणी ही आमची NAGM महाराष्ट्र अध्यक्षा शीतलताई कर्देकर, जिल्हा अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल कदीर यांच्या मार्गदर्शक व सूचनेनुसार आम्ही हे निवेदन आज माननीय अधिकाऱ्यांना दिलेलं आहे। आपलं नाव? शिवाजी नलावडे, NAGM जिल्हा अध्यक्ष औरंगाबाद। आणि काय गया आहे इसमें पत्रकार संघटना की मागणी क्या है? जो हमारी जो संगठन है पत्रकारों की, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट महाराष्ट्र, ये जो संगठन हमारी है तो ये नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया से संलग्न है मतलब। तो हमारी जो मांगनी है कि जो केंद्र शासन ने जो कामगार विरोधी कायदा पास किया है उससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है तो जो माध्यम कर्मी जो है उनको बहुत ज़्यादा उससे नुकसान पहुँचने वाला है। उस कानून के मुताबिक उसके अंदर ये दिखाया गया है कि मालक को कभी भी उसके इख्तियार है कि वो अपने नौकरों को निकाल सकता है। उनके हमारी डिमांड ये है कि भाई जो कानून इन्होंने पास किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको रद्द किया जाए और जो महाराष्ट्र के अंदर उसकी अमल बजावनी न की जाए। दूसरी मांगनी हमारी ये है कि पत्रकारों के लिए जो है तो एक जैसे प्रोफेशनल के लिए अलग अलग रजिस्टर तैयार किए हुए हैं, जैसे डॉक्टरों के लिए है, फार्मासिस्ट के लिए है, इंजीनियर्स के लिए, आर्किटेक्ट के लिए रजिस्टर तैयार किए हुए, वकीलों के रजिस्टर तैयार किए हुए स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के। तो हमारे डिमांड ये है हमारे नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कि रजिस्ट्रेशन ऑफ जर्नलिस्ट ये भी होना चाहिए। जर्नलिस्ट की जब रजिस्ट्रेशन होगा तो फिर तमाम जर्नलिस्ट को उसका फ़ायदा भी पहुंचेगा। अभी क्या हो रहा, जो फ़ायदा जो कौन लोग पत्रकार उठा रहे, जो खाली जिनके पास में एक एक्रेडिटेशन है, और एक्रेडिटेशन भी किसको मिलता है ये आप सब पत्रकारों को मालूम ही है, वो कि जो चहीते होते हैं अपने मालिकों के उन्हीं को बस एक्रेडिटेशन मिलता है। बाकी जो दूसरे फील्ड लेवल पे काम करने वाले जो पत्रकार हैं, अंदर का अपना ऑफिस में काम करने वाले पत्रकार हैं, उनको उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता। तो हमारी डिमांड ये है कि एक रजिस्टर ऑफ जर्नलिस्ट तैयार किया जाए जिससे क्या फ़ायदा तमाम जर्नलिस्ट को उसका फ़ायदा होगा। दूसरी बात यह है कि जर्नलिस्ट के लिए एक महामंडल तैयार किया जाए, ये भी हमारी डिमांड है। तो ये डिमांड हमने अभी रखी है और अभी हमने जो है तो निवेदन इनको सादर किया है विभागीय आयुक्त तो साहब को कि आप ये जो हमारा निवेदन है आप ये राष्ट्रपति महोदय को भी भिजवाए और मुख्यमंत्री महोदय को महाराष्ट्र के उनको भी भिजवाए। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आपका जो मेमोरेंडम है हम उन तक पहुँचाएंगे। तो आपका संगठन क्या महाराष्ट्र में पूरे ऑल इंडिया में? ऑल इंडिया है हमारा जो संगठन है ये ऑल इंडिया लेवल का संगठन है और हमारी जो संगठन है ये फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट जो ब्रुसेल्स में है उसके सदस्य भी है। तो हमारा ये संगठन जो है तो पूरे इंडिया के अंदर है। एक हमारे लिए अच्छी बात ये है कि हमारे जो संगठन के एक जो पदाधिकारी है वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के एक मेंबर हैं। वो आनंद राणा साहब जी महाराष्ट्र में कितने मेंबर? महाराष्ट्र में तो सैकड़ों मेंबर है हमारे, अभी हर जिले में हमारी संगठन है माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है हमारी संगठन। बहुत पत्रकारों के जो बेसिक इश्यू है उसको हम उठा रहे हैं। तो हमारी तो तमाम जो जर्नलिस्ट से ही हमारी
गुजारिश है कि हमारी संगठन से आप जुड़े, डेफिनेटली इसका फायदा तमाम जर्नलिस्ट को होने वाला है। पत्रकारों पे जो अन्याय होता है फील्ड पे, जब काम करते हैं हल्ले होते हैं हमले होते हैं, इसके ताल्लुक से भी आप आवाज उठाते हैं बार बार? डेफिनेटली बार बार उठाते हैं हम तो, कहीं पर भी किसी पत्रकार के ऊपर हम जो अगर कुछ ये आरोप, अगर ये कुछ अत्याचार हो रहा है, अभी हमने यूपी में अत्याचार हुआ एक पत्रकार के ऊपर, उसके लिए भी हमारी संगठन ने आवाज उठाई है। हम तो ये भी देखते हैं कि भाई किसी भी संगठन का हो पत्रकार, वो पत्रकार पत्रकार है, हम उसके लिए आवाज उठाने वाले हैं, चाहे वो हमारी संगठन से जुड़ा हो चाहे वो ना हो। आपका नाम? मैं रियाजुद्दीन देशमुख।